इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नीट पीजी की तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए जब मैं प्रिपरेशन करने के टाइम सोचता था कैसे करूं, तो जब मैं सीनियर से पूछता था तो मतलब जो सिलेक्ट हो गए होते हैं तो वो यही कहते थे बेटा सब कुछ पढ़ो, सब कुछ पूछता है ये वो जुड़ने, और कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर लो तो साले एकदम डिप्रेस कर देते हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन बोल बोल के एकदम हार्ड जैसे तुमको फील करा देंगे, तुमको साले कुछ नहीं आता, पढ़ते हुए वहाँ मरा हुआ साली। और मैं जब मतलब ऐसे सोचा था हम कैसे साला 19 सब्जेक्ट है कैसे पढ़ पाएंगे, तो बाद में कंक्लूड किया प्रीवियस ईयर करके, मतलब कि प्रीवियस ईयर पहले करेंगे। तो प्रीवियस ईयर करने से उससे पता हो जाता है एक ही टॉपिक को घुमा घुमा के बार बार पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर करो फिर उसके बाद नोट्स में टिक्का मारो, फिर उसके बाद बार बार वही टॉपिक पढ़ो और सिर्फ प्रीवियस ईयर करो, उसके अलावा कुछ मत करो। और जितने पन्ने से तुमको लगे प्रीवियस ईयर से नहीं आए क्वेश्चन उतना पन्ना फाड़ के फेंक दो, जितना कम रहेगा तुमको कॉन्फिडेंस आएगा अरे इतना ही तो पढ़ना है यार, 10 ही पेज तो है बार बार पढ़ लेंगे, तो कॉन्फिडेंस पहली बात आ जाएगा। दूसरी बात कम पढ़ना रहेगा तो बार बार पढ़ोगे और वही तुमसे बार बार वही पूछा जाएगा तो वही पढ़ो, कहे बेफालतू में पढ़ के हेडेक डाल रहे हो और कोचिंग वालों का साला मतलब बेफालतू में क्वेश्चन ऐसा कराएंगे जो तुमको मतलब नहीं कभी पूछा है ना कभी पूछा जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। अरे हमें एग्जाम क्वालीफाई करना है, नॉलेज थोड़ी रखनी है,